नमस्कार दोस्तों। तो अभी कुछ दिन पहले बीसीसीआई ने हेड कोच के लिए रवि शास्त्री को रिटेन किया था और अब बीसीसीआई ने टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ का भी ऐलान कर दिया है। बात करेंगे इसके बारे में। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि 200 प्लस वीडियोस डाल चुका हूं और अब सब्सक्राइबर्स की सख्त जरूरत है, तो प्लीज़ वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सिलेक्शन के इस क्रम में चीफ सेलेक्टर एम एस के प्रसाद ने बताया कि उन्होंने बैटिंग कोच के लिए विक्रम राठौड़ को संजय बांगर की जगह सेलेक्ट किया है और जब उनसे इसके कारण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बैटिंग में फ्रेश आइडियाज की जरूरत है और ये आने चाहिए। और कहीं ना कहीं ये बात भी उनके दिमाग में रही होगी कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में एम एस धोनी को पीछे भेजने का जो आइडिया था वो भी काफ़ी गलत था और इसके साथ ही पिछले महीनों में भी वो नंबर 4 की गुत्थी नहीं सुलझा पाए। तो बैटिंग कोच के रूप में उन्हें यह काम जल्दी कर लेना चाहिए था लेकिन वे ये नहीं कर पाए, तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसी के साथ बॉलिंग कोच के रूप में भरत आरुण को ही रिटेन रखा गया है और फील्डिंग कोच के लिए भी आर श्रीधर को ही रिटेन रखा गया है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि बीसीसीआई टीम में कंटिन्यूटी चाहती हो ताकि वर्ल्ड कप 2020 तक टीम बैलेंस्ड रहे। और इन सभी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2020 तक के लिए किया जाएगा। अभी इनका जो रिकमेंडेशन है वो चीफ सेलेक्टर एम एस के प्रसाद ने किया है और बीसीसीआई से बातचीत करने के बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर दिया जाएगा। वहीं आर श्रीधर जो कि फील्डिंग कोच है, उन्होंने ऋषभ पंत को लेकर टीम को दिलासा दिलवाया कि वे ऋषभ पंत पर काम करेंगे और उन्हें टीम इंडिया के लिए एक बेहतरीन विकेट कीपर बनाने में पूरी सहायता करेंगे। वहीं टीम के फिजियोथेरेपिस्ट के लिए नितिन पटेल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के लिए गिरीश डोंगरे को फर्स्ट चॉइस के रूप में पैनल ने बीसीसीआई के सामने रिकमेंड किया है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप संजय बांगर को ही चाहते थे बैटिंग कोच के रूप में या बदलाव चाहते थे। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।